देश अध्यक्ष ने जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद अफवाहों का बाजार किस तरीके से गर्म हो गया है, इसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी का भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों पर विश्वास जागता है तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि खुद कमलनाथ जी ने कहा है कि सब स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। क्या पूरी ये अटकलें हैं और किस तरीके से इसको लेकर के कयासबाजी तेज हो गई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्र कोई कहीं भी जा सकता है, ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। उनके मन के हृदय में पीड़ा है तो मुझे लगता है उनका स्वागत है। जी जी स्वागत है उनका, बिल्कुल स्वागत है उनका। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की अटकलें जोरों पर हैं और जब इससे संबंधित सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं और जो यहां आना चाहे उनका स्वागत है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब बीडी शर्मा से सवाल किया गया कि कमलनाथ नकुलनाथ की तरफ से कितना गंभीर प्रस्ताव आपके पास आया है, उन्होंने कहा कि लोगों को अगर लगता है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज के लिए कुछ करना है, अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में कर सकते हैं तो हमने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पीसीसी चीफ के पद से हटाए जाने के बाद से लगातार कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। छिंदवाड़ा दौरे में इस बार कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिसे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया गया हो। बीजेपी द्वारा भी कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। इससे समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं कमलनाथ की बीजेपी में ज्वाइनिंग की खिचड़ी जरूर पक रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सिलसिलेवार कई मुलाकातें हो चुकी हैं। लगातार हो रही मुलाकातों के कई मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और शाम को छिंदवाड़ा कलेक्टर को हटा दिया गया था। कलेक्टर के अचानक तबादले को इस मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कमलनाथ को लेकर जो अटकलें हैं वो अटकलें कितनी सही साबित होती हैं। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। है कमलनाथ इस बयान के बाद, बीडी शर्मा ने जब से ये बयान दिया उसके बाद चर्चाओं के बाजार में ये बात जरूर गूंज रही है। हालांकि अटकलें हैं और इसको लेकर के सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है, एक तरफ कयासबाजी में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि खास मुलाकातें चल रही हैं, दूसरी तरफ केंद्र राज्य सरकार से जुड़ी कोई भी स्टेटमेंट ना देना, इसको लेकर के सवाल। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है चर्चा के लिए। बीजेपी से प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता आनंद तारण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत बीजेपी से ही करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से अभी तक कयासबाजी की जो शुरुआत है इसका इशारा बीजेपी की तरफ से हुआ था, लेकिन अगर सबसे पहले जाहिर है जब इस तरीके की चर्चाएं होंगी तो सबसे पहले कारण ही ढूंढा जाएगा, आपकी नजर में ऐसा कौन सा कारण है जो कमलनाथ चाहेंगे कि अगर बीजेपी में वो आना चाहे तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? लगता है कि इन कयासों को कोई किसी ने जन्म दिया तो खुद कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी देश की राजनीति में बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उनका मध्य प्रदेश के कांग्रेस चुनाव हारने के बाद में जिस प्रकार से पीसीसी के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया, बड़ी असामान्यजनक तरीके से उन्हें हटाया गया था। उसके बाद देखेंगे कि जब पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था उसमें भी वो नहीं आए,
कल का एक उदाहरण देख लीजिए, कल राज्यसभा का नॉमिनेशन था उसमें भी कमलनाथ जी नहीं थे, फिर कमलनाथ जी ने खुद इस बात को जो संशय था लोगों के मन में उन्होंने इसको बढ़ाया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारी नीति, हमारा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में और राष्ट्र निर्माण की इस यज्ञ में आहुति देने के लिए जो जो व्यक्ति सहभागी होने को इच्छुक है उसमें भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का स्वागत करेगी। उद्देश्य राष्ट्रहित होना चाहिए, समाजहित होना चाहिए और देश के लिए राजनीति करना होना चाहिए। और कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में एक परिवार के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, खुद का अस्तित्व तो कांग्रेस के कार्यकर्ता चिंता भी नहीं करते, लेकिन गांधी परिवार का अस्तित्व टिकाना इनका मूल मुद्दे ही होता है। तो मुख्य आज जो देश में जो धाराएं बन गई है, एक तो है राम भक्तों की धारा और दूसरी है राम विरोधियों की धारा। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये बड़ा असहज हो रहा है कि इस धारा के साथ में जाना है या सिर्फ एक परिवार के प्रति अपनी जो अपने सनातन संस्कृति है, अपना धर्म है, उससे भी विरोध मूल लेना है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है क्योंकि हम देश की राजनीति कर रहे हैं, देश की राजनीति में अच्छे लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए और ये पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस का युग है। अच्छे लोग परफॉर्म करने वाले राजनीति में रहेंगे, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी को यह स्वयं स्पष्ट करना चाहिए कि आज वो किस धारा के साथ में खड़े हैं। और अटकलों को जो विराम देने का काम भी है उन्हीं को करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि अच्छे लोगों का राजनीति में स्वागत है। मुझे लगता है अगर वो विचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कमलनाथ जी जैसे अनेक लोग हैं जो वास्तव में देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन गांधी परिवार के बोझ तले वो दबे हैं, वो देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट नहीं कर सक रहे, खुद की राजनीति नहीं कर पा रहे, खुद के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए ये अच्छा महत्वपूर्ण क्योंकि आज देखिए श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में देश में एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में जो एक धारा स्थापित कर दी है, मुझे लगता है देश के अधिकतर राजनीतिक दल उस धारा के साथ में सम्मिलित होना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका जमीर अपने अपने जो परिवारवादी पार्टी है, उनके जो पारिवारिक मुखिया हैं, उनको क्या उत्तर देंगे, इसलिए वो थोड़े बंधे हुए हैं। लेकिन आपको यह समय मिश्रा जी जल्दी देखने को मिलेगा कि देश हित में काम करने यही तो समझना चाह रहे हैं, यही तो समझना चाह रहे हैं कि इसे इस बयान को इशारा समझ लिया जाए, न्योता समझ लिया जाए या इसे लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल बनाने की कोशिश समझ लिया जाए। देखिए मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी डे वन से इस पूरे मुद्दे पे क्लियर है कि हम लोगों ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों का स्वागत है जो देश हित की राजनीति करना चाहते हैं, जो समाज हित में काम करना चाहते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेतृत्व और सिद्धांतों में विश्वास रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे जिस प्रकार से विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कार्यक्रम भी किया था, न्यू जॉइनिंग टोली करके हमने एक अभियान भी चलाया है, उस माध्यम से आप देखेंगे छिंदवाड़ा जिले के, पांडुना जिले के, छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अनेकों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। साथ ही आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों से जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, अभी हाल ही में जबलपुर के नगर मेयर, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी मन में यह कटुता नहीं रखती कि वो कांग्रेस से उसे सदस्यता नहीं देगी। आपके पार्टी के काम करने का तरीका इसको लेकर के हालांकि आपने जवाब दिया है, कांग्रेस से मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आनंद तारण जी, आपने सुना होगा अभी तक अजय जी को भी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात को सुनने के बाद में एक कहावत मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि जहां पर धुआं उठ रहा है आग जरूर लगी होगी। हालांकि मैं दावा इस बात से नहीं कर रही हूं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी के दौर शुरू हैं, बहुत सारी चीजों को पिछले दिनों जो घटित हुई है घटना मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। एक तरफ जब खास मुलाकात मुख्यमंत्री मोहन यादव से कमलनाथ की होती है और उसके बाद अचानक से छिंदवाड़ा कलेक्टर का हट जाना होता है, और दूसरी तरफ लगातार इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी न केंद्र सरकार पर किसी तरीके की टीका टिप्पणी करना, न राज्य सरकार पर किसी तरीके की बयानबाजी, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद इशारा कहीं ना कहीं यही मिल रहा है। आनंद जी देखिए, जो लोग देश की आजादी में मुखबरी का काम करते थे, आज वो बार बार जैसे बगला भक्ति बोलते ना हम, तो वो देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। भाई ऐसी राजनीति में ऐसी कौन सी पार्टी है जो राष्ट्र की बात नहीं करेगी, देश हित की बात नहीं करेगी, जनता की बात करने की जनता के हित की बात नहीं करेगी? हाँ, अगर नहीं करती कोई पार्टी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जो वायदे किए वो वायदे आज तक पूरे नहीं किए, जो वायदे आज से 10 साल पहले किए थे उस समय वो पूरे नहीं किए। मोदी की गारंटी की बात करते हैं,
अरे भाई, अगर मोदी की गारंटी होती तो वो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी वाली बात कहाँ थी? वो कहाँ थे 15 लाख रुपए? वो काला धन कहाँ था? वो चौराया कहाँ था जिसमें 50 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को आना था? चौराहे पर नहीं आए, लेकिन 2000 का नोट बंद हो गया। आज गैस सिलेंडर के रेट बढ़े बढ़ गए, दुगने हो गए, तिगने हो गए, लेकिन इसके बाद कोई रोल नहीं है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कहीं कोई बात नहीं। तो ये कौन सी सरकार है और किस तरह की जनहित की बात करती है? आज किसान परेशान है, किसान आंदोलन रहते, किसानों को रोड पे कीले लगाए जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कमलनाथ जी की। केवल और केवल मुद्दों से भटकाने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। मुद्दों से भटका और राज करो, रोदो, लोगों में फूट डालो और राज करो, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। निश्चित रूप से जो बातें करते हैं 400 पार और अभी तो जो हैं उनको बचा लें, 300 पार हैं उनको बचा लें, वो बहुत बड़ी बात हुई। कमलनाथ जी की बात करते, कमलनाथ जी कांग्रेस वरिष्ठ नेता है और इतने सक्रिय है कि आज देश का प्रथम सेवक भी उनके सामने जो उनका अनुभव है वो कहीं नहीं है। तो कमलनाथ जी के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह की बातें करता है, जो पार्टी अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, आज वो कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो ये जो बातें करते हैं, आपकी बात का जवाब मैं लूंगी अजय जी से, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आशीष दुबे जी से भी एक प्रतिक्रिया इस बीच ले लेते हैं। आशीष जी, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि मैं दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो पिछले दिनों से लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति से तमाम घटनाक्रम घटे हैं उससे अंदाजा कितना सही होता हुआ, क्योंकि पिछले वक्त में भी हमने देखा है कि बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस वक्त भी कयासबाजी लगाई जा रही थी और वो घटनाएं सही भी हुई हैं। आशीष जी देखिए, चुनाव के समय इस तरह की चीजें बहुत सामान्य हैं, और अभी 3 महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव था तो ऐसा लगता था कि जैसे सारा ट्रैफिक जो है वन वे हो गया है और वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। अब उसका उल्टा है कि कांग्रेस का सारा जो ट्रैफिक है बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो ये एक सामान्य परंपरा है चुनावों के पहले। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा बड़ा चेहरा या किसी पार्टी का सबसे फायदेमंद चेहरा दूसरी पार्टी में जाता है, वो एक बड़ा माइंड गेम की तरह होता है और एक साइकोलॉजिकली एक असर पड़ता है दूसरे जो उनका प्रतिद्वंदी पार्टी होती है। तो कमलनाथ के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं अभी तक तो ऐसा कहीं एकदम सामने नहीं आ पाया है कि वो वाकई भाजपा के टच में है या क्या, क्योंकि आज जो भाजपा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वीडी शर्मा ने जो ली है उनकी बातों में भी वही बात थी, घुमाव था और कोई ऐसा ना संकेत था ना संदेश था ना कोई भरोसा था कि कमलनाथ वहां जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है जो मुझे लगता है कि कमलनाथ विधानसभा चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ का जो वजन है या जो उनका असर है वो थोड़ा सा उस पर झटका आया है और उनका अध्यक्ष का पद भी उसके बाद जाता रहा। तो ये जो इस तरह की बातें जब उठती हैं किसी नेता के बारे में तो ये उसके लिए एक तरह से फायदेमंद होती हैं, और वो नेता कई जो बड़े नेता होते हैं वो इस तरह की बातों का अटकलों का इंजॉय करते हैं, वो इससे उनकी अपनी पार्टी में स्थिति मजबूत होती है। कि इसे चुनावी एजेंडे के लिहाज से भी जोड़ करके देखा जा सकता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर जब एक तरफ वीडी शर्मा इस बात को आपने जैसा कि शब्द का इस्तेमाल किया कि घुमाव देकर के इस बात से बचते हुए नजर आए, उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ऐसा नहीं लगता कि कोशिश करनी चाहिए कि इस बात का खंडन करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के पहले देरी हो जाए, फिर से एक कांग्रेस के लिए फॉर्मूला फॉर्मेट पीछे होती हुई कांग्रेस नजर आए। खैर, इसका जवाब मैं लूंगी आनंद जी से, लेकिन पहले अजय जी से बात को पूरी कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत समय से जवाब देना चाह रहे हैं आनंद जी की बातों पर। जी देखिए, पूछा कि आनंद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी घुमाने वाली राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी के दल तोड़ने वाली राजनीति नहीं की, ये कांग्रेस थी, इसके नेतृत्व से नीति से और नियत से परेशान होकर लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। और हम बड़े सम्मानजनक तरीके से कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना दलों का काम होता है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद में देखिए, एक जनरेशनल शिफ्ट के तहत सारे
नए नेताओं को चांसेस दिए गए। क्या कांग्रेस में कभी आप ये संभव था? कांग्रेस में वही परिपाटी चली आ रही है जो गांधी परिवार के खास है, जो गांधी परिवार के दरबारी है, उन्हीं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण लेके जिस असमानजनक तरीके से कमलनाथ जी को हटाया गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके कैंप के नेताओं के लिए भी ये एक शोचनीय विषय था कि क्या इसी प्रकार से एक 5 वर्ष जो व्यक्ति मुख्यमंत्री, 15 महीने जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, 5 वर्ष जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष रहा, उस व्यक्ति को इस असमानजनक तरीके से हटाना चाहिए? क्या इस व्यक्ति के लिए कुछ थोड़ा सा सम्मान बनता था? ये कांग्रेस में नहीं होता, लेकिन हम अपेक्षा भी नहीं करते कांग्रेस का अंतर्गत। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में ये कांग्रेस के नेता भी देखते होंगे कि अच्छे काम करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो अन्य दलों से आए हैं। हमारे पास उदाहरण के तौर पे देखें, हमारे असम में मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में उनके पार्लियामेंट्री करियर का सम्मान करते हुए, उनके अनुभव का सम्मान करते हुए, उस अनुभव का लाभ लेने के लिए उन्हें राज्यसभा में पहुंचाने का निर्णय लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसा दल है जो सामान्य लोगों को भी उच्च सदन ठीक है। पर मैं आशीष जी की बात को बहुत विशेष तरजीह दूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात यहां पर की। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस तरीके की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं पार्टी में। जाहिर है कोई कुछ नेता इधर से उधर जाएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन यहां पर आनंद आनंद जी ने भी इस बात को कहा कि अगर चलिए एक कोशिश मान भी लिया जाए कि बीजेपी ने अगर की भी है न्योता देने की कमलनाथ को, जाहिर है पहले एनालिसिस किया गया होगा कि पार्टी को किस तरीके की डिमांड है चीजें समझने के लिए, लोकसभा चुनाव को हैंडल करने के लिए, तो कारण कहाँ है? ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि कारण क्या समझती है कि क्यों छोड़ना चाहेंगे, इसके पीछे कारण तो समझेगी ना पहले पार्टी कि कमलनाथ को ऐसी कौन सी तकलीफ है जो उसे दूर करने के लिए वो बीजेपी में आएंगे, न्योता किस बिना पर दिया गया? देखिए पूछा जी, ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, कमलनाथ जी को सोचना चाहिए कि कारण तो वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी उनके संगठन छोड़ने का, उनका संगठन छोड़ने का कारण बताएगी। बीजेपी बहुत अच्छे से समझ रही, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं नहीं, ये उनका अंतर्गत प्रश्न है। मैंने जैसे कि मैंने परिस्थितियां बताई कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, गांधी परिवार की अस्तित्व के टिकाने के लिए इनका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये मूल कारण होना चाहिए मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस जैसा दल छोड़ने के लिए। ठीक है आनंद जी, इसके पहले भी और भी जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, हालांकि कुछ देर पहले आपने अजय जी को भी सुना, कारण को लेकर के मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, जो अभी तक कारण सामने आ रहे हैं इसके पीछे पिछले चुनाव में हुई हार को लेकर के कमलनाथ जी के मन में बहुत ज्यादा चीजें चल रही होंगी, या फिर पिछले कुछ दिनों में पीसीसी चीफ पद का हट जाना एक मुख्य कारण कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर के मान रही है, तो आपके नजरिए से क्या पूरी स्थिति है? देखिए कमलनाथ जी देश के बहुत बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पीछे लड़ी रही, उनके बारे में अनर्गल वक्तव्य देती रही पिछले 5 सालों से, जब से वो अध्यक्ष बने तब से लेकर आज तक, और बराबर लगी रही और उनके पुराने केसों को कहीं सिख उससे जुड़ने लगे, कहीं कहीं से जुड़ने लगे, और जिस तरह से लोगों को काम भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें जोड़ रही है, तो कमलनाथ जी देश के इतने बड़े चेहरे हैं और गांधी नेहरू परिवार की जो बातें कर रहे हैं उनके तीसरे बेटे के रूप में जाने जाते हैं। तो एक बात और है, गांधी नेहरू परिवार के अलावा इनके पास कुछ नहीं, ये सुबह दोपहर शाम भारतीय जनता पार्टी के अगर 1000 प्रवक्ता होंगे ना देश में, तो वो 1000 प्रवक्ता अगर प्रतिदिन गांधी परिवार नेहरू परिवार की माला नहीं जपते होंगे तो उनका हाजमा सही नहीं होता होगा। भाई गांधी नेहरू परिवार का तो इस देश से चोली दामन का साता है, गांधी नेहरू परिवार ने तो इस देश की आजादी में पूरा अपने आप को सर्वस्व निचावर कर दिया, गांधी नेहरू परिवार ने तो अपने 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 खुद की संपत्ति हजारों करोड़ों की उस जमाने में देश को दान दिए। ये गांधी परिवारों के सामने तो इनका तो एक इनके नाक उनके पैर के नाखून के बराबर पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा गांधी नेहरू परिवार की बात करते, उनका तो त्याग और बलिदान का हिसाब है, दो दो लोगों को उनके गांधी नेहरू परिवार के इंदिरा जी और राजीव जी और हमारे स्वर्गीय बापू को इस देश इस सरजमी पे गया। अरे देश का जो पहला आतंकवादी था वो नाथूराम गौड़ से, वो तो इनका इनका प्रतापुरुष है,
ये उसकी पूजा करते हैं, आरती करते, उसका मंदिर बनाते, ये इनका चरित्र तो ये इस देश की आजादी के बाद। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भगला भक्ति कर रहे हैं, तो ये क्या माना जाए इसको, क्या देश के हित में ये काम करते हैं? ये केवल और केवल सांप्रदायिकता की बात करते हैं, इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश के आम बातों से जरूरत नहीं है। आज अन्नदाता परेशान है, उसके सामने कांटे उबड़ रहे हैं, अब ये केवल मुद्दों से भड़काने के लिए, भटकाने के लिए, इधर उधर करने के लिए, कहीं कमलनाथ जी को ले आते हैं, कहीं किसी को ले। ये सवाल हालांकि कुछ देर पहले आशीष जी से भी मैंने किया था, एक बार फिर आपसे भी दोहराती हूँ कि अगर कांग्रेस इन तमाम चीजों को लेकर के खंडन कर रही है तो मीडिया का सहारा लेकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को क्यों नहीं रखती कि ये सिर्फ महज अफवाहें। क्योंकि देखिए आज भी जब बी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो बहुत बहुत अच्छा जिक्र किया यहाँ पर आशीष जी ने, उन्होंने कहा कि बात को किस तरीके से डाइवर्ट करना है बहुत अच्छी तरीके से वीडी शर्मा जी ने किया और इस बात से किनारा कर दिया। इसी तरीके का फॉर्मूला कांग्रेस क्यों नहीं अपनाती अगर इस बात का खंडन करना चाहती है? क्योंकि जाहिर है जब लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं जनता के बीच में गलत मैसेज तो जाता है ना। देखिए हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आज भारतीय जनता पार्टी के खोने के लिए प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। हमारे नेता पर पूरा विश्वास है, हमें कमलनाथ जी पे पूरा विश्वास है। कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एक कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसने कि उनकी माँ को तकलीफ हो। तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे हैं तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो खुद अपने आशीष जी क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, हर एक पार्टी को फूक फूक कर कदम रखने होंगे। जहां इस चीज को भी बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है कि छिंदवाड़ा में जब उनका दौरा था जब जनता के बीच जाकर के मुद्दे उठाने चाहिए, उन्होंने एक भी ऐसी कोई बात नहीं कही जहां पर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की नीतियों से जुड़े किसी सवाल पर उन्होंने विरोध किया हो। नहीं, ये बात है, उनका दौरा जो हुआ है और इसको उसमें कुछ चीजें जो हैं उस पर जरूर ये बात सवाल उठ रहा है और फिर आज उन्होंने अपना दौरा निरस्त भी कर दिया है और वो कल दिल्ली भी जा रहे हैं, तो ये सवाल बहुत सारे उठते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने बेटे के लिए इसलिए प्रचार कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि इस तरह के अटकलों को एंजॉय करते हुए वो पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पार्टी उनकी वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पार्टी इसका खंडन कैसे करेगी, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला होगा जब जो सामने आएगा, अगर अगर आता है तो। तो ये एक दुविधा की स्थिति पार्टी के लिए भी है क्योंकि अशोक चौहान जैसा एक सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अभी भाजपा में गया है महाराष्ट्र में और अब मध्य प्रदेश में इनको लेकर बातें हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के पास अभी इतना सारा यहाँ पर है और कमलनाथ जिस तरह के जिस कद के नेता हैं तो राज्यसभा वाला चांस तो उनका मध्य प्रदेश का भी जा चुका है, तो वो कहाँ एकोमोडेट होंगे, भाजपा में कौन सी जगह पे जा पाएंगे, भाजपा मध्य प्रदेश में उनको कौन सी बड़ी जगह दे पाएगी अगर हम इसको काल्पनिक तौर पर भी माने तो उनके लिए कोई जगह ना अभी केंद्रीय राजनीति में अगर कोई जगह बना दी जाए तो ठीक है, संसद में तो बनती नहीं और विधायक वो यहाँ पर है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें इस तरह की अफवाहों से भाजपा को भी फायदा मिल रहा है और व्यक्तिगत तौर पर कमलनाथ को भी फायदा मिल रहा है कि वो अपनी स्थिति अपनी पार्टी के अंदर विधानसभा चुनाव की हार के बाद जो स्थिति कमजोर हुई है उसको मजबूत करे। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी में आना चाहिए तो स्वागत है कमलनाथ, इस बयान के बाद सियासी पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को लेकर के नकार जरूर रही है लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस स्टेटमेंट के बाद में लोकसभा चुनाव के पहले सियासी पारा या फिर इस मुद्दे को किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कांग्रेस कर पाती है या ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, इसका इंतजार सभी को है, आप हम सभी को है। इसको लेकर के हम भी नजर बनाए रखेंगे और चर्चा लगातार इसको लेकर के करते रहेंगे। लेकिन आज के हमारे खास पेशकश में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।